हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फिश फिंगर की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इस रेसिपी के लिए आप कोई भी फिश इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 300 ग्राम है। सबसे पहले फिश का फिले लीजिए और इसे इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए। अब इसे हम एक डिलीशियस मैरिनेशन देंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून नींबू का रस, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच ड्राइड ऑरेगानो, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच नमक। इन सबको एक साथ मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट करेंगे 10 मिनट के लिए। अब हम फिश की कोटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए आधा कप मैदा, 1 अंडा जिसे अच्छे से फेंट लिया है और 1 कप ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स को हम थोड़ा सा सीजन कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1/3 टीस्पून ड्राइड ऑरेगानो, आधा चम्मच काली मिर्च और 1/3 टीस्पून नमक। अब एक एक करके मैरिनेटेड फिश लेंगे और मैदे में कोट करेंगे। अब अंडे में डिप करेंगे। और ब्रेड क्रम से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। अब बाकी के सारे मैरिनेटेड फिश को हम इसी तरह मैदे में, फिर अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। सारे फिश फिंगर्स अच्छे से कोट होने के बाद अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। इसी स्टेज पर आप इसे एक जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज भी कर सकते हैं लगभग 1 महीने के लिए, और जब भी इसे खाने का मन हो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। चलिए अब इसे मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। जब तक ये फ्राई हो रहा है, चलिए इसके लिए एक डिप तैयार कर लेते हैं। ये होममेड मेयोनीज है 1/2 कप। इसकी रेसिपी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। इसे मिक्स करेंगे और हमारा डिप तैयार है। ये देखिए, 4 से 5 मिनट में हमारा फिश फिंगर भी बनके तैयार है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट जूसी फिश। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए तैयार डिप के साथ। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली हर रेसिपी पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।